नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करूंगी। ये है पोटैटो एग कोफ्ता। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बॉईल किया हुआ आलू। इतना सा आलू लिया है मैंने, 5 आलू यहाँ पे है। यहाँ पे 4 अंडे हैं। कटा हुआ प्याज लिया है एक बड़ा सा, 2 हरी मिर्च कटी हुई, तो 1 स्पून अदरक की पेस्ट, 1 स्पून लहसुन की पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चीनी, 1 स्पून कश्मीरी देगी मिर्च, 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 प्याज पेस्ट करके लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया, और तेल में सरसों के तेल यूज़ करूँगी। तो पहले हम कोफ्ते के लिए 4 अंडे, अंडे को मैंने यहाँ पे आलू आलू को पहले मैश कर लेती हूँ। ये मैं हाथ से ही कर रही हूँ। आलू मैंने मैश कर लिया है। अब ये 4 अंडे तोड़ के मैं यहाँ पे डालूंगी। अंडे मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे डालूंगी मैं ये कटा हुआ हरी मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से डालना, मैंने 2 डाल दिए। एक कटा हुआ प्याज, और थोड़ा सा अदरक की पेस्ट, इतना सा मैंने डाल दिया, और नमक। थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब मैं इनको अच्छे से मिलाऊंगी। मैंने यहाँ पे पूरा पूरा मिला लिया है आलू और अंडे के साथ, और तेल भी मेरा गर्म हो गया। अब मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। अब गैस बिल्कुल सिम पे है। अब थोड़ी देर इस साइड को होने देती हूँ, फिर उल्टा करके देखूंगी कैसा हुआ है। ये एक साइड शायद हो गया है, देख लेती हूँ मैं। हाँ, हो गया ये साइड। उल्टा कर देती हूँ सबको, उल्टे साइड से भी फ्राई कर लेती हूँ। ये साइड भी फ्राई कर लेती हूँ। अब देख लेती हूँ। हाँ, इस साइड भी फ्राई हो गए हैं सारे। देखिए अच्छे से कलर आ गया है इसमें भी। अब मैं इनको उठा लेती हूँ एक बर्तन में। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। अब
अब मैं सारे कोफ्ते फ्राई कर लेती हूँ पहले। जितना आ सकता है उतना मैं डाल देती हूँ। सारे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं, तेल इतना सा बच गया है। इसी तेल में मैं बना लूँगी और तेल नहीं डालना है मैंने। अब मैं थोड़ा एक इलायची और चार लौंग के दाने यहाँ पे डाल रही हूँ पहले, और ये चीनी जो रखा था ये भी डाल रही हूँ, इससे कलर अच्छा हो जाता है ग्रेवी के। अब मैं ये प्याज के पेस्ट ये डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे अदरक की पेस्ट लहसुन की पेस्ट डाल दिए, उनको 2 मिनट ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। गैस अभी फुल पे ही है। फ्राई हो चुके हैं। अब मैं ये सूखे मसाला जो है हल्दी पाउडर मिर्च आप अपने हिसाब से डालना, ये गरम मसाला पाउडर और ये नमक स्वाद अनुसार डाल दिया। अब मैं सारी चीज़ों को मिला दूंगी। थोड़ी देर इनको फ्राई होने देती हूँ। ये फ्राई हो चुके हैं मसाला मेरे। अब मैं यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी डाल देती हूँ। 1 गिलास पानी लिया मैंने, ये डाल दिया। गैस की फ्लेम हाई कर देती हूँ मैं और इसको बॉयल आने तक ऐसे ही रख देती हूँ। ग्रेवी मेरी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे धनिया पत्ता जो रखी थी वो डाल दिया और ये सारी कोफ्ते मैं यहाँ पे डाल दूंगी। दो मिनट में इनको ऐसे ही, 2 मिनट हो चुके हैं। मैंने पहले बोला था 2 मिनट रख लेना है इनको। हो चुके हैं, अब मेरी ग्रेवी तैयार हो गए हैं। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और प्लेटिंग कर लेती हूँ। गैस को बंद कर दिए और प्लेटिंग कर देती हूँ। लीजिए तैयार हो गए पोटैटो एग कोफ्ता। एक बार इसको ट्राई करके देखना, ये बनाना बड़ा आसान है। और ट्राई करके अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।